स्लाइडिंग जोन बना नारायण बगड़ और केवर गांव के लिए नासूर। खबर चमोली जिले के कर्णप्रयाग, ग्वालदम, बैजनाथ, अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर नारायण बगड़ बाजार के बीचों बीच में वर्षों पुराने भूस्खलन क्षेत्र की है। बता दें कि यहां पर दोनों बाजारों के बीच लगभग 300 मीटर के करीब भूस्खलन क्षेत्र है, जहां से ऊपर शिवालय और केवर गांव बसा हुआ है और यहां पर लगातार भूस्खलन होने के कारण गांव को भी भविष्य में गंभीर खतरा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। यह राष्ट्रीय राजमार्ग बीआरओ के पास है। हालांकि बीआरओ लगातार इस स्थान पर ट्रीटमेंट कर तो रही है, लेकिन स्थायी रूप से ट्रीटमेंट नहीं किए जाने के कारण यहां बार बार सड़क और जमीन नीचे पिंडर नदी की ओर खिसकती जा रही है, जिससे हर समय खतरा बना रहता है। इस तरह यह भूस्खलन क्षेत्र लोगों के लिए नासूर बना हुआ है। असल में पिछले कई सालों से स्थानीय लोगों की मांग रही है कि इस भूस्खलन क्षेत्र का उपचार नीचे पिंडर नदी के किनारे से की मजबूत तरीके से किया जाए, ताकि जमीन और सड़क का खिसकना रुक सके। लोगों का कहना है कि बीआरओ खिसक रही सड़क और जमीन के ऊपर सड़क बहाल करने के लिए खाली मलबा पत्थरों का वजन बढ़ा दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि बीआरओ खिसक रही सड़क और जमीन के ऊपर सड़क बहाल करने के लिए खाली मलबा पत्थरों का वजन बढ़ा दे रहे हैं, जिस पर जमीन पर और दबाव बन रहा है। बार बार यहां पर भू धसाव होता जा रहा है। लोगों ने कहा कि ना जाने बीआरओ या शासन इस भूस्खलन स्थान का स्थायी समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं। इस स्थान पर डामरीकरण भी नहीं किया गया है, जिस कारण दोनों बाजारों के लिए धूल धक्कड़ और बारिश में कीचड़ भी मुसीबत का सबब बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन और बीआरओ से इस भूस्खलन क्षेत्र का स्थायी समाधान करने की मांग की है। आपदा आई थी उस समय 2013 की, जो आपदा आई उसमें भयंकर रूप से जो स्लेटिंग जोन बन चुका है, इस हमारे ये कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग पर ये केवर गांव है, ऊपर कई गांव वहां पर दरारें पड़ चुकी है, आने की समान दो चार मकाने वैसे भी टूट चुकी है ऊपर, लेकिन सरकार अभी तक न सुन पाई, न विभाग सुन पा रहा है और जो भी जनप्रतिनिधि है, कई जनप्रतिनिधि ने कई बार यहां पर संपर्क किया अधिकारियों से और ये अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर जो हर साल जो ये टूट फूट की जब कार्य चल रही है और धूल इतना है, बच्चों को सांस लेना मुश्किल हो गया। कई बार जो प्रसव होती है, ऊपर से महिलाएं आती है वो यहाँ पर रुक जाती है, उनको इतने परेशानी होती है, तब डंडी कंडी में लाकर ऊपर ही ऊपर और हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ता है। कई समस्याएं हैं, जिस प्रकार वो एक साइड तो ट्रीटमेंट कर चुका, बहुत ही अच्छा किया उन्होंने, लेकिन जो ये स्लेटिंग जोन है यहाँ भी ट्रीटमेंट करते तो अच्छा रहता। कई सालों तक ये स्लेटिंग जोन नहीं बन पाता है और मैं विभाग से और अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ कि शीघ्रातिशीघ्र जितने जल्दी हो, अब तो बरसात खत्म हो चुका है, इसके बाद आप लोग इसका ट्रीटमेंट बनाए, एस्टिमेट बनाए, एक अच्छा संदेश जाएगा विभाग को भी कि हाँ काम हुआ है, नहीं तो धूल और कंकड़ से तो बीमारी का जड़ बना हुआ है। भूस्खलन जोन है यहाँ पे, बीआरओ ने लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिया है, लेकिन अभी तक इसके जो है स्थायी ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। मुझे लग रहा है बीआरओ जब यहाँ पर जनहानि होगी तभी जो है इसका ट्रीटमेंट कर पाएगा। यह जो है सरासर सरकारी धन का दुरुपयोग है। अगर ये इसका स्थायी ट्रीटमेंट नीचे से करें, नदी के किनारे तक जो जितना इन्होंने इस पर धन लगाए उसके आधे में इसका जो है स्थायी ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन बीआरओ की घोर लापरवाही है। कई बार यहाँ पर जो है केवर गांव भी है, कई बार इनको संपर्क कर दिया गया, इनको बता दिया गया भाई इसका स्थायी ट्रीटमेंट करें, जो काम आप ऊपर से कर रहे हैं ये नीचे से करिए, लेकिन इनके कान में जो है जूं तक नहीं रेंग रहे। ये जो है मुझे लग रहा है ये जनहानि रुके हुए हैं कि जब यहाँ पर कोई बस एक्सीडेंट या जनहानि होगी तभी ये जो लोग ये चेतेंगे, नहीं तो ये जो है बिल्कुल सुन नहीं रहे। से लेकर स्टेशन तक जो ये भूस्खलन जोन है यहाँ पे जो है बिल्कुल भी इनका जो है काम बिल्कुल शून्य है, धूल ही धूल है यहाँ पे, जो डामरीकरण भी ये कर नहीं रहे। कई बार हम पंती चले गए, इनके जो है जेई जो बैठते हैं उनसे भी संपर्क किया गया है, लेकिन वो बोलते हैं हमके आदेश ही नहीं है, हमारा तो पार जा रहा है, बाईपास जा रहा है। क्या ये जनता इसलिए चुप रहेगी कि बाईपास जब बनेगा तब बनेगा, जनता इसलिए पिसते रहेगी? और यहाँ पे जो है जो ये अनावश्यक जो ये कार्य कर रहे हैं इससे जमीन पे दबाव बन रहा है और इससे जो है ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये ऊपर से न करें, इसको नीचे से करें और तब जाके जो है इसका ट्रीटमेंट रुक सकता है, नहीं तो जो है जनता पिसते जाएगी और इनका तो लाखों करोड़ों वारे न्यारे हो रहे हैं और ये जो है बिल्कुल सरकारी धन का बिल्कुल दुरुपयोग है। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।